मन पड़ल पापी ऐसा दिन
इसके अलावा कोई दीन नहीं। क्यों? दुनिया में जो अज्ञान है वो लोगों के बनाए हुए अज्ञान है। और परवरदिगार आलम की तरफ से जो दीन आया उसे दीन इस्लाम कहते हैं। दीन इस्लाम इनमें बहुत सारी चीजें हैं, वाजिबात, मुस्तहबात, मकरूहात, मुहर्रमात। कुछ चीजें ऐसी हैं कि दीन इस्लाम में किसी से परवरदिगार आलम ने हिदायत बशरियत के लिए इस्लाम फैलाया। इसमें दीन में कुछ कानून है, कवानीन है जो हिदायत बशरियत के लिए है, इंसानी हिदायत के लिए है, लोगों की हिदायत के लिए अल्लाह ने इस दीन में कवानीन बनाए। वो कानून जो हिदायत है बशरियत के लिए, ऐसा कानून कि जो किसी के बनाया हुआ कानून नहीं है कि जिसको जब चाहा, जिसने चाहा, जिस तरह चाहा अक्सरियत या ताकत के बल पर बदल दिया। वो कानून ऐसा कानून नहीं है कि जिसको जब चाहा, जिसने चाहा, जिस तरह चाहा अक्सरियत या ताकत के बल पर बदल लिया। लोगों के बनाए हुए कानून और होते हैं, परवरदिगार का बनाया हुआ कानून और होता है। लोग पहले जब ये कानून बनाते हैं तो अपनी कुर्सी इख्तदार के तहफ्फुज़ का सहारा लेने के लिए कानून बनाते हैं, इसलिए कि दुनिया को ये पता है कि हुकूमतें आनी जानी होती हैं। लेकिन अल्लाह की हुकूमत न किसी जोग्राफिए पर है, न किसी सरजमीन के खास खत्ते पर है। वो सया कुर्सी समावाद वलम, उसकी कुर्सी इख्तदार तो आसमानों और ज़मीनों में फैली हुई है। न उसे उलटने का खतरा है, न लौटने का खतरा है, न पलटने का खतरा है। वो कानून बनाएगा अपनी कुर्सी इख्तदार के लिए जो खुद अदम तहफ्फुज़ का शिकार हो। अपनी कुर्सी तहफ्फुज़ के कानून का सहारा वो लेगा जो खुद अदम तहफ्फुज़ का शिकार हो। लेकिन जो अला कुल शैन कदीर हो, जो कायनात का मालिक हो, जो कायनात के जर्रे जर्रे का मालिक हो, उसे किसी तहफ्फुज़ की ज़रूरत नहीं है। हिंदू अपने ममालिक में अपने कानून बनाएंगे, यहूदी अपने मुल्कों में अपने कानून बनाएंगे, ईसाई अपने ममालिक में अपने कानून बनाएंगे, मुस्लिम अपने मुल्कों में अपने कानून बनाएंगे। खुदा ने तो न हिंदू पैदा किया था, न ईसाई पैदा किया था, न यहूदी पैदा किया था। उसने तो कसमें खा खा कर कहा था, वतीले वतैतुले वतुले सिनीना वहादल वकत अमीन लकर खलकनल इंसाना, कि आपने तकबीर ईन की कसम, जैतून की कसम, सूर्य सीना की कसम, बदत अमीन शहर मक्का की कसम, कि हमने इंसानों को ऐसा तकबीर पर पैदा किया। अपनी किसी तकलीफ पर लाज नहीं करता। समंदर बनाए फख्र नहीं किया, भूले बनाए फख्र नहीं किया, परिश्ते बनाए फख्र नहीं किया, आदम बनाए फख्र नहीं किया, जिब्रील बनाए फख्र नहीं किया, परिश्ते बनाए फख्र नहीं किया। मगर इंसान ऐसा अशरफुल मखलूकात है, ऐसा उसका पसंदीदा है कि जब भी उसकी बात चली तो उसने बड़े नाज से कहा, बड़े फख्र से कहा, वतीले वतैतुले वतूले सिनीना वहादल वलद अमीन लकद खलकनल इंसाना, कि आसन तकदीर ईन की कसम, जैतून की कसम, सूर्य सीना की कसम, बलद अमीन शहर मक्का की कसम। आखिरी कसम जो खाई है वह शहर मक्का की खाई है। बलद अमीन कहकर खिताब किया है कि हमने इंसानों को ऐसा तकदीर पर पैदा किया। तो खुदा इंसान का खालिक है, फिरकों का खालिक नहीं। सलाम अलैकुम।
जब ये आयत नाजिल हुई तो परवर निगार कि जब ये आयत नाजिल हुई तो हुजूर ने सबरे कायनात के पास असहाब आए और आकर फरमाया कैसे किसे हैं? अल्लाह ने तो कह दिया कि हमने इंसानों को ऐसा तकवीम पर पैदा किया, तो ये ऐसा तकवीम है क्या? तो हुजूर सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा हर बच्चा परवरदिगार ने फितरत इस्लाम पर पैदा किया, कुल्लो मौलूदिन यूलदो अला फितरत इस्लाम, हर बच्चा उसने फितरत इस्लाम पर पैदा किया, किसी भी बच्चे को उसने गैर फितरत इस्लाम पर नहीं पैदा किया, चाहे हिंदू के घर में पैदा हो, ईसाई के घर में पैदा हो, यहूदी के घर में पैदा हो, जब भी पैदा हुआ तो वह फितरत इस्लाम पर पैदा हुआ। उसके बाद उसके पालने वाले, उसके परवरिश करने वाले, उसकी तरबियत करने वाले उसे अपने जैसा बना देते हैं। खुदा ने तो ना हिंदू पैदा किया, ना ईसाई पैदा किया, ना यहूदी पैदा किया, उसने तो कहा है कि कुल मौलूदी यूने जो अला फितरत इस्लाम, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा हुआ। किसी भी बच्चे को ये अल्लाह का एहसान है कि किसी भी बच्चे को उसने कुफ्र में नहीं पैदा किया, वरना कयामत के लिए काफिर ये कह देता परवरदिगार तूने मुझे पैदा ही काफिर किया था, मैं मोमिन कैसे हो जाता। हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, उसके बाद उसके पालने वाले, ये सरकार का फरमान है, उसके पालने वाले, उसके परवरिश करने वाले, उसकी तरबियत करने वाले उसे अपने जैसा बना देते हैं, उसे अपने जैसा बना देते हैं। हिंदू के घर में पैदा हुआ तो हिंदू बन गया, ईसाई के घर में पैदा हुआ तो ईसाई बन गया, यहूदी के घर में पैदा हुआ तो यहूदी बन गया, लेकिन फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, मुसलमान पैदा होता है, पालने वाले जैसा भी बना देते हैं, ये सरकार का फरमान है। अब मैं इस बहस में नहीं पढ़ता कि मेरा नबी जब पैदा हुआ था, अब आमिया का चांद जब पैदा हुआ था तो नबी था या नहीं था, मुझे इससे बहस नहीं है। मैं थोड़ी देर के मैं ये मान लेता हूँ, जब आमिना का चांद अब्दुल्ला का ये यतीम जब पैदा हुआ तो फितरत इस्लाम पर तो था। आमिना का ये बच्चा या अब्दुल्ला का यतीम जब पैदा हुआ तो फितरत इस्लाम पर तो था, इस्लाम पर तो था, इस्लाम पर तो था। अबू तालिब की गोद में था, आमिना की गोद में था, 17 बरस तक अबू तालिब की आगोश में रहा। अब मैं पूरे मजमे से तवज्जो चाहता हूँ कि 17 बरस तक आगोश अबू तालिब में परवान चढ़ने वाला ये बच्चा जवान होने के बाद अगर बुत परस्ती का ऐलान करे तो अबू तालिब काफिर था, अगर तौहीद का ऐलान करे। बड़ी मुश्किल मंजिल है, सारे जो शरीयत रचाए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अली की मोहब्बत में। ये जब अली को नहीं मानते, अली से नफरत है, तो जाहिर सी बात है उनके खानदान वालों से नफरत है। अगर हमें हमसे किसी को नफरत है तो उसको हमारी माँ से भी होगी, हमारे बाप से भी होगी, हमारे भाई से भी होगी, हमारे पूरे खानदान से होगी, यहाँ तक कि जो हमारा चाहने वाला है उससे भी नफरत होगी। अली से नफरत तो बाप से नफरत, दौजा से नफरत, बच्चों से नफरत, खानदान वालों से नफरत, चाहने वालों से नफरत। ये शिया है यानी ना चाहने वाला है, ये काफिर है। अजीजाने मतलब मौला अली हर जमाने की बात, हर जमाने में मुश्किल आसान करने वाले
लोग कहते हैं कि आदि कहने से मुश्किल आसान नहीं होती, तुम्हें क्या पता आदि कहने से मुश्किल आसान होती या नहीं होती। अरे आदि तो मिंबर पे भी मुश्किल कुछ आई करता था। सलाम अलैकुम मोहम्मद वाले। चाहे वो आज का कमाने वाला चाहने वाला हो या 1400 साल पहले चले जाएंगे, रसूल ने पुकारा हो तो मदद के लिए आए। खुद नबी ने अली को मदद के लिए पुकारा। बात वादे करता चलू, नबी ने अली को मदद के लिए पुकारा या नहीं पुकारा? पुकारा, जंगे खैबर आइए, मुझे खैबर की जंग नहीं पढ़ना है। अली को मदद के लिए नबी ने पुकारा या नहीं पुकारा? मीर अली के जुमले मैं आपकी समातों के हवाले नहीं करूंगा। 39 दिन तक जब इस्लाम पता न हुआ, जंग पता न हुई, 39 दिन 39वें दिन ये हालत हो गया था, ये हालत हो गई थी कि लश्कर सरदार पर निजाम लगा रहा था, सरदार लश्कर पर निजाम लगा रहा था। सरदार ये कह रहा था कि हुजूर हम क्या लड़ते, लश्करी ने साथ नहीं दिया, लश्करी कह रहे थे कि सरकार हम क्या करते, सरदार ही तशरीफ ले गए। वहां पे मीर अनीस के जुमले हैं और शिबली नोमानी के भी हैं। शिबली नोमानी कहते हैं कि 39वें दिन जब पैगंबरे इस्लाम की खिदमत में 2 मुकदमे दर्ज हुए, एक शिकायत पहुंची और शिकायत में कहा गया कि किसने कहा, लश्कर ने कहा सरदार को, सरदार ने कहा लश्कर को, सरदार कह रहा है लश्कर भागा, लश्कर कह रहे हैं सरदार भागा, लेकिन पैगंबर ने कोई फैसला नहीं किया, पैगंबर ने कोई फैसला नहीं किया। लेकिन पैगंबर ने क्या खूब फैसला किया और बड़ा अजीब और अजीब फैसला किया। 39वें दिन जब लश्कर पर निजाम लग रहा था और सरदार पर निजाम लग रहा था, तो उस वक्त नबी ने क्या कहा, लौ कि अन्न गायता बदन लगन कदार गैर फरार, कल मयालम मर्द को अता कर। और दूसरी कि अगर 40वें दिन शिबली नुमानी का जुमला, उस पर मैं बयान करना चाह रहा हूँ कि शिबली नुमानी कहते हैं कि रसूल ने, सरकार ने कोई फैसला नहीं किया। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि कायनात के रसूल की बारगाह में एक मुकदमा पहुंचे, एक शिकायत पहुंचे, लश्कर की शिकायत सरदार करे और सरदार की शिकायत लश्कर करे और कायनात का आदिल पैगंबर कोई फैसला नहीं कर सके, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर 40वें दिन शिबली नुमानी होते तो मैं कहता, अगर 40वें दिन हुजूर ने लश्कर बदल दिया तो लश्कर भागा था, सरदार बदल दिया तो सरदार भागा। अब यहीं पर पैगंबर खामोश नहीं हुए, मर्द कहकर खामोश नहीं हुए, इसलिए कि अरबी में हर मर्द को रजुल कहते हैं। रजुल के माना ही लौटी अन्ना लाया था रजुलन, रजुल रजुल के माना है मर्द, और सिर्फ मर्द कहकर ही खामोश नहीं हुए, मर्द की तारीफ भी बताए कि मर्द कहते ऐसे तो हर दाढ़ी मूछ वाला मर्द है, मगर मर्द की तारीफ बताए कि मर्द किसे कहते हैं, रजुल मर्द निशा औरत, लेकिन मर्द की तारीफ क्या बताए, लौकी अन्न लायता गदन गदन रजुलन करलारन गैरे परलार, कल मैं अदम मर्द को ऐसा करूंगा, मर्द की तारीफ बताई, करलार भी होगा,
गैरे फरार भी होगा और कोई पे हमला करने वाला होगा, कोई पे रसूल भी होगा, महबूबे रसूल भी होगा, कोई पे खुदा भी होगी, महबूबे खुदा भी होगी। ये सारी सिफात, ये एक वाहिद हदीस है कि जहाँ पैगंबर ने सिफात बता दिए, नाम नहीं बताए। वाहिद हदीस है कि जहाँ पैगंबर ने सिफात बताए हैं, नाम नहीं बताए। इसलिए कि उसूल ही यही होता है कि जब मोमिन और मोमिन और मुनाफिक का पहचान करना हो तो मोमिन का नाम पर्दे में रखा जाता है, मुनाफिक का नाम बाहर लाया जाता है। महबूबे रसूल भी होगी, ये ऐलान तो हो गया। अब सारी रात अलमदारी के शौक में, अलमदारी के शौक में सहाबा रसूल अपने आप को जागते रहे, जगाते रहे अलमदारी के लिए कि कल हम अकमत बनेंगे, कल हम अलमदार बनेंगे, कल हम मेरे पसार बनेंगे। सारी रात तैयारियां होती रही अलमदारी के शौक में, मगर खैबर में दो ही शख्सियत ऐसी थी कि जिसने न सारी रात तैयारियां की है और न सारी रात जागे हैं। एक सरदार थे, एक सलमान थे और एक अबू ज़र थे। इसलिए जानते थे कि मुरादे रसूल कौन है, इसलिए जानते थे कि मुरादे रसूल कौन है। सलमान और अबू ज़र समझ गए कि रसूल की मुराद कौन है, इसलिए कि जिस वक्त नबी ने ये कहा कि लो के अंदर लाया था कदन सजलत गलाना मेरे पदार, उस वक्त नबी तो थे मगर अली नहीं थे। अली मदीने में थे और नबी खैबर में थे, मदीना वहाँ खैबर वहाँ, अली मौजूद नहीं। अब जब ये हो हुआ तो सलमान से आकर रसूल ने कहा, ऐ सलमान, जरा मदीने के रास्ते के ऊपर नजरें गाड़ कर बैठ जाओ, जरा मदीने के रास्ते पर नजरें गाड़ कर बैठ जाओ। अब सलमान ने न हाँ कहा न क्यों कहा, इसलिए कि रसूल का फरमान है, रसूल का फरमान है, जो हुक्म दे दिया तो दे दिया, उसे करना ही करना है, वाजिब है ये। तो रसूल ने क्या कहा कि मुसलमान जरा मदीने के रास्ते पर नजरें गाड़ कर बैठ जाओ। अब इधर सलमान बैठे, उधर नबी ने क्या कहा मैं कुछ नहीं जानता, नबी ने क्या कहा बस इसका जुमला मीर अनीस कहते हैं, नबी ने कहा। इधर नबी ने नादे अली मतलब अजायब बदल दिया, पहली नादे अली नबी ने पढ़ा नादे अली मतलब अजायब तजी तो आनंदका बिन नवाय। उधर मीर अनीस कहते हैं कि खबर को दी सदा कि मेरा राहवाला भाई गुना रहे हैं मेरी दुनिया का अल्लाह। यानी जब नबी ने आवाज बदल की तो अली ने भी सुनी, बतूल ने भी सुनी। जब नबी ने आवाज बदल की तो नबी ने अली ने भी सुनी, अंबर ने भी सुनी, बतूल ने भी सुनी, फिजा ने भी सुनी। यानी अंबर को आना कहना नहीं पड़ा कि बीबी तलवार ले लीजिए मौला जंग पे जा रहे हैं, फिजा के हाथ बरामद में तलवार निकाल दी। अब समझ में आया कि जब नबी की आवाज खैबर से मदीने में सुनी जा सकती है तो इसी नबी का आखिरी बार पर्दे गैब उधर जब आएगा तो आगे से अली बिन नासिर यज़दुल्ला की आवाज बरस करेगा, तो जो भी मोमिन होगा वही मां की आवाज बरस करेगा। मेरा रहमान अल्लाह
अली इसने कहा कि पहली नादे अली खत्म हुई, दूसरी नादे अली नबी ने शुरू की, ताजी तो होने लगा, फिर नवाए बिल हम बिल मुहम्मद सईद अल बी अल्लाह मते कहा अल्लाह, इधर नबी ने नादे अली खत्म की, उधर अली चाहते ये है कि खैबर में पहुंच जाए, बस अली पूछते दुनदुन पर सवार हुए चाहते हैं कि खैबर की तरफ चले। अब जमीन ने अबू तुराब के लिए रास्ते को समेट दिया, अब इधर रास्ता चिमटा, उधर खैबर में अली पहुंचे, सलमान ने बैठकर मुबारकबाद दी, या रसूल अल्लाह मेरा मौला आ गया, या रसूल अल्लाह मेरा मौला आ गया। अब इधर अली खैबर में पहुंचे, अब अल्लाह जाने खैबर में क्या हुआ, मुझे जंग नहीं पड़नी, बस यहाँ तक मुझे लाना था कि नबी ने अली को मदद के लिए पुकारा, अली मदीने से खैबर में, बस यहीं तक मुझे लाना था कि अली मदद के लिए आए मदीने से खैबर, क्यों उनका अली दिन तक जब जंग पता नहीं हुई तो नबी ने आवा अली को, तो अली खैबर में आए। अली हर जगह तशरीफ जाते हैं, चाहे दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी आवाज से अली को आना ही पड़ेगा, कहते हैं अली मेरी आवाज़ तो मैं आ कर देता, और सिर्फ यही नहीं दुनिया में सिर्फ अली नहीं आते, अब जब मरने वाले को हो जाती है तो उस वक्त अली खबर नहीं आता, और आकर मरने वाले को सहारा देते हैं, जब फरिश्ते पूछते हैं कि तेरा खुदा कौन है, तेरा इमाम कौन है, तेरी किताब क्या है, तो अली कहते हैं बोल मेरा रब खुदा है, मेरा इमाम सामने बैठा बैठने वाला अली और उसकी औलाद, मेरी किताब कुरान मेरा काबा पेशा। अली ने सब यकीन जहली बुरा की निशाने समाप्त की मजबूत है, और औलाद पर हक नहीं होता है, मरने वाला तो मर कर चला जाता है, मगर औलाद पर जो जितने राजियाँ होती है उसके तो सिर्फ ये होती है कि वालदैन के रूप की खातिर कुछ उनतक इंसान करना है, मरने वाला कुछ होता है कि तो हमारी औलाद हमारे हक में कुछ हदिया पेश कर रही है, और जब खुश होती है उसके रूप तो अपनी औलाद के वक्त अरबाब रजा ये माँ है, मौत की आगोश में जब संकेत हो जाती है, यार कहते हैं किसे और मामता क्या चीज है, कोई उन बच्चों से पूछे उनकी मर जाती है, जिन छोटे छोटे बच्चों से कि माँ इस दुनिया में जिंद है उससे पूछे कि प्यार किसे कहते हैं, क्या बताएगा प्यार किसे कहते हैं, उसकी माँ से अरबा गया था एक माँ, मैं आपको करबला के मैदान में देखा था, उस माँ ने कैसे अपने कैयर जवान को मैदान की तरफ भेजा होगा, अठारह साल का कैयर जवान लैला किस तरह अपने बेटे को नुकसान करवा लिया था, एक बार
दो शख्स गालिबन मौला जी या हुजूर सरकार के आयात के पास तशरीफ लाए एक मुस्लिम को लेकर और दोनों में झगड़ा हो रहा है, एक कह रहा है ये उठनी मेरी, एक कह रहा है ये उठनी मेरी है। तो जिसकी जो हकीकत में जो मालिक था उठने का, उसने कहा जा रहा था उसके दिल में दो सुराग है, इस उठनी के दिल में दो सुराग है। तो हुजूर ने कहा इस उठनी को ज़िबह किया जाए। जब उठनी को ज़िबह किया गया और उसके बदन के अंदर से दिल निकाला गया तो वाकई उसमें दो सुराग। तो हुजूर ने फरमाया ये बताओ कि तुम्हें कैसे मालूम कि इसके दिल में दो सुराग है। तो वो शख्स कहता है या रसूलल्लाह मैंने इस मुर्गी की नजरों के सामने इसके दो बच्चे को दिभा किया है और बाप अदा वो हुसैन के कर्बला के मैदान में जिसकी आंखों के सामने अरे बच्चे मार डाले गए, भतीजे मार डाले गए। आए हुसैन से पूछिए इस पर क्या गुजरी होगी, उस लैला से पूछिए। आए लैला आखिरी मरहला हुसैन लाशों पर लाशें में उठा के ला रहे खैमे में, कभी अभी इसका लाशा कभी डॉन का लाशा कभी दोहे कैद का लाशा कभी असगर का लाशा कभी असगर का लाशा। खैमे में तशरीफ लाए बहन नजमेदा हुसैन का आखिरी सलाम रुकैया हुसैन का आखिरी सलाम। ज़ैनब ने मौला हुसैन को खैमे में बुलाया कहा भैया ये बीबियां आपको रुखसत करना चाहती है, कहा कि उनका रुखसत करना चाहती है। कहा भैया एक हलका बना लेंगी, आप उस हलके के दरमियान से गुजरते जाइएगा। और बाप अदा दीजिए हलका बनाया गया, हुसैन हलके के दरमियान में आए, अब एक एक बीबी से रुखसत हो रहे हैं। लैला पर नजर पड़ी, 18 साल का कैया जवान नजर आया, दबाव पर नजर पड़ी, 6 महीने का अली हसन नजर आया, अरे परवा पर नजर पड़ी। आये वो माँ जिसका 13 बरस का यतीम का पिछला हुआ जनाजा अब आके दामन में लाश के टुकड़े को लेकर हुसैन खैमे में लेकर आया है। अरबा में अदा हुसैन खैमे से रुखसत हो रहे हैं, हुसैन की बहने अब आके दामन से लिपटी हुई। वाह मोहम्मद वाह हुसैन वाह गुरबत वाह अली वाह फातिमा की सजाए बुलंद हो रही है। हुसैन लुप्त में मैदान कताल में आए जंग कर रहे हैं, लाशों पर लाशें बिखेर रहे हैं। कभी मैं मना मैसरा को कलबे लश्कर में समेटते हुए हुसैन दरियाए फरात की तरफ चले। इधर फौज उधर, उधर की फौज इधर, चारों तरफ अलमान और अपील की पदाए बुलंद है। हुसैन जंग कर रहे हैं, अरे तुमने मेरे अकबर को मार डाला, तुमने मेरे कासिम को मार डाला, तो हद ये है कि तुमने 6 महीने के अली असगर को भी नहीं छोड़ा। हाँ बाबे अदा हुसैन जंग करते करते नहर फरात पर आए, अब्बास का नाशा नजर आया। अब्बास से कहा ए भैया अब्बास, अरे तुम्हें जंग का बड़ा अरमान था ना, ये लो आज हुसैन तुम्हारी तरफ से जंग करेगा। अब जो हुसैन ने अब्बास की जंग करना शुरू की, पौधे शाम और टूफा थे कि दीवारों से टकराने लगी, चारों तरफ से अरमान और अफीज की सदाएं बुलंद है। अरे हुसैन अपने आप को रोक लो, निदाए मैं भी आई। अरे हुसैन शुजात के जौहर से खा चुके, जरा सबके जौहर भी दिखा दो। हुसैन शुजात के जौहर दिखा चुके, जरा सबके जौहर भी दिखा दो।
बहरा का लाल है इस मुकाम पर आते हैं और ठहरने के बाद दुष्प्रकार को क्या ध्यान में रखा। अब जैसे ही तलवार अंदर गई भागी हुई पौधे धीरे धीरे समझना है। अब एक एक पौधे है आहिस्ता 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 कदम बढ़ा रहा है। जो हुसैन हुसैन तत्व से खेल चाहते ये है एक एक करके हुसैन पर रुकता मगर किसने साथ की आवाज दूंगी कि हुसैन पर ऐसे हमला मत करो। ये अली का शेर है अली का बेटा फातिमा का लगते जिगर है इसे इस पर एक बार ही हमला करो। अब अरबाब अदा मकातिल क्या लिखते हैं कि इधर हुसैन के पास फौजे जमा हो गई। फौजे जमा होने के बाद अब जो हुसैन पर कयामत का इतिहास हुआ है कयामत का हमला हुआ है वो सिर्फ हुसैन ही बता सकते हैं। इसका दर्द रबाब बता सकती है इसका दर्द फातिमा जहरा बता सकती है इसका दर्द इमाम ज़माना बता सकते हैं। जो जारत नाहिया में आवाज देते हैं कि सलाम हो हुसैन पर उसके चचे मजलूम पर अरे कि जिसका सर नौके नैजा पर बदल दिया गया सलाम हो उस चचे मजलूम पर कि जिसका जिस्म न दीन पर था न जमीन पर था बल्कि तीनों पर मुअल्लक था। अरबाब अदा हुसैन पर चारों तरफ से हमले शुरू हुए शिवनी का हमला तनाज का हमला उर्मुला का हमला अस्ना इब्ने काहिर का हमला। कभी तीन इधर आकर लगता है तो हुसैन इधर जाते हैं तीन इधर आकर रुकता है तो हुसैन इधर आते हैं। कभी तीन पेशानी पर लगता है तो हुसैन आप तीन से पेशानी के खून को पोंछना चाहते हैं। अब जब अबा के दामन से खून पोंछना ही चाह तीर आकर लगा अबा का दामन भी पेशानी पर पैवस्त हो गया। अब हुसैन है कि जब तीर निकालना चाह रहे हैं कि एक तीर आया हुसैन के सीना यज्जर पर लगा और जब सीना यज्जर पर लगा तो हुसैन घोड़े पर टकमगाने लगे। अब जैसे ही घोड़े पर टकमगा रहे एक जालिम बढ़ा और बढ़ने के बाद एक बुद्ध दिया और उसको देने के बाद हुसैन के सने हजरत को पाला। अब हुसैन का सने हजरत जो पाला हुआ अब जहरा कलाम घोड़े पर जगमगा रहा है चाहते ये है कि जमीन की तरफ चले जख्मों से चूर है बदन में 1900 जख्म तने चाक चाक पर। मीर अनीस कह रहे हैं 1900 है जख्म तने चाक चाक पर। जैनब निकल हुसैन तड़पता है खाक पर। अरे हुसैन घोड़े से जमीन की तरफ चले मगर हुसैन के जिस्म में इतने तीर पैवस्त थे कि हुसैन का जिस्म न दीन पर था न जमीन पर था बल्कि तीरों पर मुअल्लक था। अब हुसैन का जिस्म तीरों पर मुअल्लक था। अब हुसैन ने जो तीरों के आसमान से जमीन की तरफ देखा तो क्या देखा उजड़ी हुई माँ जमीन पे आवाज दे रही है आजा हुसैन आजा मैंने अपने बालों से तेरा कप्तान उतार कर दिया है ए मेरे बाल मेरी गोद में आजा। अरे हुसैन बैला की गोद में आए आवाज दे अम्मा मैं प्यासा हूँ अम्मा मैं प्यासा हूँ पिलाओ पानी। अरे शिवन पुष्टे हुसैन पर सवार हुआ पते पूरी के हुसैन का तेरा दर्द तेरा दर्द शिवजी ने पूरे हुसैन पर मारा तेरा दर्द के बाद तेरे हुसैन जितने हुसैन से अदा अदा नतुंदा ये लड़का पूछता है।
Thank you.